हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स पर विश्वन आरपिता। सो आज के वीडियो के अंदर हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे विच वर आस्ड इन यूजीसी नेट एग्जाम इन शिफ्ट वन एंड शिफ्ट टू। सो इसके मैं कुछ पार्ट्स बनाऊंगी, डू स्टे ट्यून्ड फॉर दैट इज़ वेल। फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया दैट वाज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। सो साइमन क्रूजनेट का लिखा है, उसकी जो बुक है दैट वॉज एशियन ड्रामा, नहीं। सो एशियन ड्रामा वॉज रिटन बाय गुणान मनाड, बाकी सारे सही हैं। सो रॉबिन्सन की जो बुक थी दैट वॉज एसे इन द थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, कार्ल मार्क्स द कैपिटल, एंड लुइस की जो बुक है दैट इज़ थियरी ऑफ इकोनॉमिक डिवेलपमेंट, और सारे करेक्टली मैच हैं। फर्स्ट इज़ नॉट करेक्टली मैच, सो दैट्स द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफ्लेशन, RBI इन ऑर्डर टू इंक्रीज मनी सप्लाई विल। सो जब डिफ्लेशन होती है मतलब एग्रीगेट डिमांड कम है एज कम्पेयर टू एग्रीगेट सप्लाई, तो इस केस में अगर हमें मनी सप्लाई बढ़ाना है तो क्या होगा, बैंक रेट को रिड्यूस कर दिया जाएगा बाय RBI, CRR को रिड्यूस कर दिया जाएगा, RR को रिड्यूस कर दिया जाएगा कि मनी सप्लाई बढ़ जाए इकॉनमी में। अगर रेट्स बढ़ेंगे तभी तो मनी सप्लाई बढ़ेगी, तो दैट इज़ कि जो भी सारे रेट्स हैं दिल बी डिक्रीज, एंड जिससे क्या होगा, दे कैन बाय सिक्योरिटीज़ फ्रॉम पब्लिक, सिक्योरिटीज पब्लिक से बाय करेंगे तो मनी देना पड़ेगा, तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। तो दिस इज़ हाउ इन केस ऑफ डिफ्लेशन मनी सप्लाई को बढ़ा दिया जाता है। सो दीज आर द फ्यू वेज जिससे मनी सप्लाई बढ़ाया जा सकता है। सो कुछ ऑप्शंस दिए थे, उसमें से हमें सेलेक्ट करना था। सो ये जो ऑप्शंस थे दे वर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एक्सेलरेटर प्रिंसिपल कैपिटल आउटपुट इज, कैपिटल आउटपुट क्या था, उसके अंदर ऑप्शन दे रखे थे। कैपिटल आउटपुट रेशियो जो होता है दैट इज कॉन्स्टेंट, सो कॉन्स्टेंट जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज WTO वॉज सेटअप आफ्टर, कौन से राउंड के बाद WTO सेटअप होता है। सो WTO जो था दैट वॉज सेटअप ऑन 1st of January 1995, और यूरेग्वे राउंड के बाद सेटअप हुआ था। यूरेग्वे राउंड जो था दैट 8 सालों तक चला था, फ्रॉम 1986 to 1994। सो यूरेग्वे राउंड जो था दैट वॉज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज टोल टैक्स इज बेस्ड ऑन, टोल टैक्स कौन से प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, दैट इज बेनिफिट प्रिंसिपल, जो यूज़ करेगा वो टैक्स पे करेगा, जो भी उस रोड से गुजरेगा उसको टैक्स पे करने पड़ेगा। सो दैट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल विच इज बेनिफिट प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईच पॉइंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट कर्व, वो क्या होता है ईच पॉइंट, जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर्व के ऊपर पॉइंट्स होते हैं दे आर ऑल परेटो एफिशिएंट, सारे जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये जो कॉन्ट्रैक्ट कर्व पे जो हम डॉट्स मैच करते हैं दे आर ऑल परेटो एफिशिएंट। ठीक है, सो दैट्स द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज हेरोड्स ग्रोथ मॉडल जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है, इट इज़ बेस्ड ऑन एक्चुअल वॉरेंटेड एंड नेचुरल ग्रोथ रेट, और उसके अंदर और ऑप्शन भी थे जैसे डिजायर एंड पोटेंशियल ग्रोथ रेट जो कि दे वर गिवन बाय जॉन रॉबिन्सन। सो हेरोड ग्रोथ मॉडल जो है दैट इज बेस्ड ऑन एक्चुअल वॉरेंटेड एंड नेचुरल ग्रोथ रेट। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था दैट इज रिलेटेड टू द स्टिकी प्राइस मॉडल, जिसके अंदर ये बहुत सारे ऑप्शन दे रखे थे। जो करेक्ट ऑप्शन था दैट इज एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है दैट इज अपवर्ड ट्रेंडिंग रहता है, स्टिकी के अंदर दैट इज अपवर्ड ट्रेंडिंग, जो भी हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व होता है दैट इज अपवर्ड स्लोपिंग रहता है। ठीक है, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज आर द स्लम्स ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी, ये किसने दिया था, दैट इज क्रांस क्रॉस। ठीक है, सो दैट्स द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।